स्वागत है आपका एम एस के को न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे जो मेरे पास एक्टिव 125 BS4 है उसको एक साल हो गया मुझे लिए हुए, तो आज वो मुझे एक साल बाद कितनी टॉप स्पीड देती है और 60 की स्पीड में कितने सेकंड में पहुंचते हैं, उसका पिकअप भी चेक करेंगे कि एक साल बाद पिकअप कैसा है। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा क्या काम है। तो मैं फालतू काम से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप भी ज़रूरी काम से बाहर निकलिए। साथ में आप घर बैठे हैं, आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ये गेम खेल सकते हैं। इसका नाम है लूडो क्लब। लूडो लगभग सभी लोगों को आता है, अगर नहीं आता तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप देख के सीख सकते हैं। तो ये जो आइकन देख रहे हैं ये लूडो का आइकन है, ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस ऐप का। तो आप, मैं अभी आपको आगे सिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। आप कभी भी अपने, आप फॉरेन में भी खेल सकते हैं, फॉरेन में भी किसी के साथ खेल सकते हैं, इंडिया में भी, मतलब कि वर्ल्ड में किसी के साथ आप ये खेल सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन में। अब हम ओपन करेंगे अपने मोबाइल की एप्लीकेशन जिसका नाम है लूडो क्लब। तो ओपन होने के बाद अब हम जाएंगे फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो एक फ़ोन में हमें सेलेक्ट करना है क्लासिक या रश और दूसरे फ़ोन में ज्वाइन। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपके पास ये कोड आएगा, ये कोड आप दूसरे मोबाइल में डालिए। आप सेंड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से या एनी किसी ऐप से। तो ये कोड डालने के बाद आपकी जो गेम है वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, अब आप आराम से खेल सकते हैं। तो स्टार्ट कर लीजिए दूसरे फ़ोन से स्टार्ट गेम पे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं गेम स्टार्ट हो चुका है। अब आप खेलिए और लाभ उठाइए, मज़े कीजिए। कहते हैं ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको कोई डाउट का आंसर दे सकूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं MS की वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर दीजिए ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। स्वागत है आपका MS के को न्यू वीडियो में। आज हम इसमें बताएंगे कि ये एक्टिवा 125 BS4 60 कितने सेकंड में पकड़ती है, 60 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड में पकड़ती है। और भाई मैं कोई फालतू काम से बाहर नहीं आया, आप देख सकते हैं कि मैं दूध लेने आया था। तो भाई मैं किसी फालतू काम से बाहर नहीं आता, काम से आता हूँ, ये देखो दूध लेने आया था। और मैंने मास्क भी पहना हुआ है, देख सकते हैं, है ना। तो भाई सेफ्टी जरूरी है। अब हम चेक करेंगे इसकी स्पीड कितनी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक को। तो अब हम चेक करेंगे कि जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितनी सेकंड में पहुँचते हैं। तो भाई मैं टाइमर लगा दूंगा, तो आप काउंट करना। मेरे साथ मेरे दोस्त रोबिन भी है, तो देखते हैं दो बंदों पे ये कितना पिकअप देती है। तो देखो ना, तो जैसा आप देख पा रहे हैं मज़ेदार पिकअप था, 60 किलोमीटर पर आवर इन 10.87 सेकंड, मज़ेदार पिकअप। तो अब हम चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड कितनी देती है। टॉप स्पीड नहीं कहेंगे, टॉप एंड कहेंगे कि हमें टॉप एंड ये कितना देती है। तो चलो चेक करते हैं, मुझे खुद नहीं पता इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो चलो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो जैसा आप सबने ये देख ही लिया कि जो एक्टिवा 125 BS4 इसने 100 प्लस टॉप एंड दिए, मतलब कि 100 प्लस, जो कि बहुत अच्छी बात है, 125 cc का इंजन 100 प्लस टॉप एंड देता है। तो बाकी जो इसकी टॉप स्पीड है वो हम लॉकडाउन के बाद रोड पे चेक करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम रोड पे नहीं जा सकते, अपने घरों पर रह रहे हैं। तो जो एक्टिवा 5G है इसका 110 cc इंजन होता है, तो वो कम से कम
90 तक तो पहुंच जाती है, हमने ट्राई मारा वो 90 तक पहुंच जाती है। और जो 125 सीसी है ये इंजन भी बढ़ा 110 से, और ये 110 के ऊपर सॉरी 100 के ऊपर चले जाते हैं, मतलब 100 प्लस टॉप एंड देती है। तो जो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जो कि इस स्कूटी को अच्छी चीज़ है इस स्कूटी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।